हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। सावन का महीना तो चल ही रहा है और मंदिरों में पूजा पाठ कीर्तन ये सब। तो आज फ्रेंड्स मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, एक प्रसाद वितरण करने के लिए पंचामृत बना रही हूँ। तो ये मैंने एक खाली बाउल लिया है। चलो और इसमें मैं डाल देती हूँ एक प्याला दही और इस दही को हम बिलो लेते हैं। अभी बिलोया नहीं गया। और इसमें मैं डाल देती हूँ ये एक कप के करीब कच्चा दूध। ये मैंने कच्चा दूध डाल दिया है और अब हम इसे बिलो लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं डाल लूँगी इसमें ये बूरा नहीं है, ये मैंने चीनी को पीस लिया है। आप या तो चीनी को पीस कर डाल सकते हैं या फिर आप डालिए बूरा, जो भी चीज़ उपलब्ध हो आपके पास वो डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये शहद। फ्रेंड्स पंचामृत में शहद जरूर पड़ता है तो मैं शहद डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये एक चम्मच मैंने डाला है शहद, एक चम्मच ही बहुत है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है ये नारियल को घिस के और ये चिरोंजी आप बीच बीच में पड़ी हुई है ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसमें डाल दी है। और ये मैंने काजू काट लिए हैं। ये बादाम काट लिया है मैंने और ये मखानी है, ये मखाना मैंने अलग निकाल दिया है और ये मखानी में डाल दी। और ये किशमिश है फ्रेंड्स, तो ये किशमिश मैंने सारी डाल दी है। आप मेवा अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। और इसे हम मिला लेते हैं। अभी इसमें एक खास चीज़ और रह गई है, वो है गंगाजल। तो मैं गंगाजल डालती हूँ, इसे मिक्स अच्छी तरह कर लेंगे। मीठा हाँ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी शहद की चम्मच से ही मैं डाल रही हूँ गंगाजल। देखिए गंगाजल का कोई माप नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए क्योंकि इसमें डाला जाता है। इलायची जरूर डालनी चाहिए प्रसाद में, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और पूजा पाठ की चीज़ों में वैसे मीठी, खास तौर से मीठी चीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी अच्छी होती है इससे। इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा इसे पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया है क्योंकि जब ये मुंह में दांत के नीचे आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से मैंने इस तरह से इनके दाने निकाल के डाल रही हूँ मैं। फ्रेंड्स ये मैंने ले ली तुलसा जी। अब मैं तुलसा जी के पत्ते डाल रही हूँ, ये पत्ते आप अच्छे से डाल लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स और अब ये पंचामृत बनकर बिल्कुल तैयार है, एकदम बढ़िया। ये मैंने एक पत्ता साबुत रख दिया है। फ्रेंड्स देखिए पंचामृत बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। भगवान जी के प्रसाद के लिए बनाया है मैंने। और पसंद हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए भगवान का प्रसाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में तो यह होता ही अच्छा है क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है इसमें। थैंक्स फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पर। नमस्कार।